इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पति श्रीमान पारसमल जी पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजेश जी, श्रीमती पुष्पा पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजय जी, श्रीमती कम्मू पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री आशीष जी, श्रीमती शशि पांड्या, पुत्र श्री परवीन कुमार जी, पौत्र एवं पौत्री अक्षत, जयेश, साक्षी, श्रेया, आस्था, पौत्री एवं दामाद आकांक्षा रौनक कुमार जी कानुका, जोधपुर एवं समस्त पांड्या परिवार, मदनगंज, किशनगढ़, ऊंटड़ा वाले प्रतिष्ठान, पांड्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है चिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के उदयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन बीसा हमड़ भवन में 16 नवंबर 2023 को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि राष्ट्र संत आचार्य शिरोमणि श्री 1008 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। भक्तिभाव से आयोजित इस मांगलिक कार्यक्रमों में भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस कार्यक्रम के भक्तिमय दृश्यों का। राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध नगरी उदयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन बीसा हुमड़ भवन में 16 नवंबर 2023 को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि राष्ट्र संत आचार्य शिरोमणि श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस मांगलिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने शुभ क्रियाएं कर धर्म लाभ अर्जित किया। भक्तों ने इस मांगलिक कार्यक्रम का शुभारम्भ मयूर पंख से बनी नवीन पिच्छियों की भव्य शोभा यात्रा निकाल कर किया। भक्तगढ़ शोभा यात्रा में बैंड बाजों की धुनों पर भक्ति में थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहाँ सभी ने मंचासीन गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीष लिया। और चतुर्मास का जो मुख्य प्रोग्राम होता है पिछी परिवर्तन, वो आज प्रोग्राम है। उदयपुर समाज का सौभाग्य है कि ये चतुर्मास और जगह होना था और उदयपुर समाज को मिला है और दूसरा चतुर्मास भी उदयपुर समाज को मिलने जा रहा है। इस आने वाला जो शताब्दी वर्ष महोत्सव है उसको अच्छा से अच्छा बनाने, अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करें, सब अपनी सहभागिता उसमें प्रदर्शित करें। ये अपना सौभाग्य है कि आचार्य शांति सागर जी महाराज का 100वां वर्ष का प्रोग्राम उदयपुर समाज को मिलने जा रहा है। भारत देश में से कई प्रांत हैं जो इस प्रोग्राम को करने के लिए लाने रहे थे, लेकिन अपना किस्मत अच्छा है, ये आचार्य जी का आशीर्वाद है, इसलिए प्रोग्राम मिल रहा है अपने को। तो इसकी हमने कल परसों मीटिंग भी की थी और भी करेंगे इस प्रोग्राम में। आप सब पधारे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उदयपुर दिगंबर जैन समाज आपका बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। समारोह के मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। इसके साथ ही सभी ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर शुभाशीष लिया। चरित्र चिंतन अत्याचारी शांत सागर जी महाराज की।
इसी क्रम में एक बालक ने मंगल गान के साथ मंगलाचरण किया तो वहीं एक बालिका ने मयूर पंख से बनी पिच्छी का गुणगान करते हुए मधुर गीत पर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। इन अनमोल क्षणों के उपस्थित सभी श्रद्धालु साक्षी बने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए गणमान्यों ने पूज्याचार्य श्री के सानिध्य में धार्मिक पुस्तक का विमोचन किया तो वहीं श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य श्री के समक्ष नृत्य कर अपने भाव प्रेषित किए। तो हम सभी लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का आचार्य पद प्रतिष्ठापना वर्ष मनाने वाले हैं। उसके पूर्व एक छोटी सी पुस्तक जो चारित्र चतुर्वर्ती महाग्रंथ है उसमें से कुछ प्रसंग आचार्य श्री के अनमोल प्रेरण वचन का संकलन किया गया है जिसका आज यहाँ पर एक छोटी सी पुस्तक का ग्रंथ का विमोचन हो रहा है। आचार्य श्री से करवट निवेदन और यहाँ पर जितने भी महानुभाव बाहर से पधारे हैं राकेश जी सेठी सुरेश जी सबलावर भरत जी चूड़ीवाल अहमदाबाद से और हमारे पंडित जी आदरणीय जवाहरलाल जी संगस्त गज्जू भैया सोनू भैया आदि सभी लोग आए शांतिलाल जी बेलावत सुरेश जी बदलावत और इस ग्रंथ को आचार्य श्री ने करकमलों में भेंट करके इसका विमोचन करवाया। आइए साधु वाद उन लोगों को
इसी श्रृंखला में महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक महानुभावों को धर्म पटुका पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। साथ ही चारित्र चक्रवर्ती ज्ञान वारिधि प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान सम्मानित महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने मनोभाव भी व्यक्त किए। इस पावन पुनीत अवसर पर जहां पुण्यशाली परिवार ने पूज्याचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर एवं उन्हें शास्त्र अर्पण कर अपने सौभाग्य को बढ़ाया, तो वहीं पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक दिव्य द्रव्यों ने गुरु पूजन का पुण्य लिया। दौरान पुण्यवान गुरु भक्तों ने पूज्याचार्य श्री के समक्ष धूप चंदन जल नैवेद्य श्रीफल इत्यादि से अर्घ्य समर्पित कर गुरु भक्ति करने के साथ उनका मंगल आशीष भी प्राप्त किया। पश्चात ही सौभाग्यशाली भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि राष्ट्र संत आचार्य शिरोमणि श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग का पिछका परिवर्तन कराने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, जहां भक्तों को पूज्य आचार्य श्री को नवीन पिछी भेंट कर आशीर्वाद स्वरूप उनकी पुरानी पिछी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन, भक्त कर रहे भाव से गुरु की, भक्त कर रहे भाव से गुरु की पिछी का परिवर्तन। अद्भुत दृश्य धर्म का पावन कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर का श्रृंगार यही है, यही गुरु की है साथी, जीव दोष ना लगने पाए, पिछी ये ही सदा बचाती, पिछी ये ही सदा बचाती। कोमल कोमल मोर पंख है,
कोमल कोमल मोर पंख है, लगते बड़े मन भावन, अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन, कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर के आशीष की कृपा सबको यही दिलाती है, किस्मत उसकी खुल जाए, जिस सिर ये रख जाती है, जिस सिर ये रख जाती है, पूछ नहीं पीछे सा कोई, पूछ नहीं पीछे सा कोई, करते देव समर्थन, अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन। बोलो मुनीश्वरत नाथ भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्यवारिधि 188 गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आज वात्सल्यवारिधि 188 गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज का उदयपुर उमड़ भवन में पीछे परिवर्तन कार्यक्रम चल रहा है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने 2014 में किशनगढ़ चातुर्मास किया था, तब आचार्य श्री का पीछे प्राप्त करने का, नई पीछे हमारे पांडे परिवार की तरफ से देने का हमको सौभाग्य मिला। मेरी माता श्री श्रीमती सुशीला जी पांड्या ऊंटड़ा वालों की, उनकी जन्मभूमि पर ग्राम रहलाना जिला दूधू के अंदर, वहाँ पर आदिनाथ जिनाले के अंदर शांति विधान का आयोजन किया गया। आज ही के दिन उनकी, मेरी माता जी सुशीला देवी जी पांड्या की प्रेरणा से जिनाले के अंदर भगवान शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई। बड़े धूमधाम से पूरे रेलाना जैन समाज एवं किशनगढ़ के हमारे पूरा परिवार, पांड्या परिवार सब यहाँ उपस्थित है। बड़े हर्षोल्लास से शांति विधान मंडल का आयोजन किया गया और शांति पंचामृत अभिषेक करके भगवान को विराजमान किया गया, और ये प्रेरणा आचार्य गुरुदेव वर्धमान सागर जी महाराज की थी। और मेरे माताजी मेरे पांड्या परिवार पे पूरा आशीर्वाद है। जिस दिन से आचार्य श्री का हमारे परिवार पे आशीर्वाद मिला, तब से हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई। हमको इतना विश्वास है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का, हमको मात्र स्मरण से हमारे सब काम हमारे पूरे हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। गुरुवर का पिच का परिवर्तन कराने के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को पूज्य आचार्य श्री की मंगल देशना श्रवण करने का मंगल अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान राज्य की प्रसिद्ध नगरी उदयपुर स्थित श्री दिगम्बर जैन बीसा हमड़ भवन में 16 नवम्बर 2023 को आयोजित हुई परम पूज्य वात्सल्य वारिधि राष्ट्र संत आचार्य शिरोमणि श्री 1008 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह के अति मंगलकारी दृश्य, जहां गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पिछिका परिवर्तन कराकर अपने सौभाग्य को बढ़ाया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का, हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पति श्रीमान पारसमल जी पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजेश जी, श्रीमती पुष्पा पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजय जी, श्रीमती कम्मू पांड्या, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री आशीष जी, श्रीमती शशि पांड्या, पुत्र श्री परवीन कुमार जी, पौत्र एवं पौत्री अक्षत, जयेश, साक्षी, श्रेया, आस्था, पौत्री एवं दामाद आकांक्षा रौनक कुमार जी कानुका जोधपुर एवं समस्त पांड्या परिवार मदनगंज किशनगढ़ ऊंटड़ा वाले प्रतिष्ठान पांड्या कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स।